Good morning, students. In the previous lecture, we have studied the magnetic field due to a solenoid. Now, our next topic is we will derive magnetic field due to a toroid. So, what is a toroid? Toroid is actually an endless solenoid. What is toroid? It is an endless solenoid. ठीक है, अगर हम लोग सोलेनोइड को पूरा जोड़ देंगे, हेड और टेल मिला देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा टोरॉइड। देखो जी टोरॉइड कैसा होता है, ये है आपका, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा ना हेड टेल मिला देंगे और इसके ऊपर ये देखो, ये ऐसे इस तरीके से वायर लपेटे होते हैं। हमने सोच के ये बनाया था कि जैसे सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो अगर उसका हेड और टेल मिला देंगे तो हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। ठीक है, सो हियर वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। सो लेट अस सी, हियर ऑल्सो वी विल यूज द एम्पियर सर्किट लॉ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कुछ ऐसा ये बन गया। अब देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर्स निकल रहे हैं, लपेटा हुआ ना इससे ऐसे करके ऊपर, तो यहाँ से निकल रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनाऊँगा क्रॉस। समझ में आ रहा है ये चीज़ को? ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, व्हाट यू विल यूज, वी हैव टू यूज द इमेजिनरी सरफेस, दैट इज द एम्पीरियन लूप। सो हियर वी विल ड्रॉ द थ्री एम्पीरियन लूप। ठीक है, थ्री एम्पीरियन लूप कैसे? एक एम्पीरियन लूप अंदर की तरफ, ठीक है, इसका जो रेडियस हो जाएगा आर वन, एक ये बीच में, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा आर टू, और एक हम लोग बनाएंगे बाहर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा आर थ्री। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किट लॉ। फ्रॉम एम्पियर्स सर्किट लॉ, क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको तीन में डिवाइड कर लें, बी डॉट डी एल ये हो जाएगा फॉर लूप वन, फॉर लूप टू बी डॉट डी एल, एंड बी डॉट डी एल और लूप थ्री। ठीक है, अब देखो लूप वन के लिए, तो लूप वन के अंदर क्या कोई है ना, बी डॉट डी एल कितना आता है, म्यू जीरो टाइम्स करंट आई, क्या कोई करंट है उसके अंदर, ये कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ये पहले इतना लिख लिया, उसके बाद फिर आप फर्क से लिखो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू जीरो आई, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, लूप वन, तो ये हो जाएगा बी डी एल, बी डी एल तो उसी के अराउंड हम लोग ये बी भी लेंगे, डी एल एंगल जीरो, ये कितना हो जाएगा टू पाई आर वन, और लेकिन यहाँ कितना रहेगा म्यू जीरो रेंट जीरो, तो ये कितना रहेगा, यानी जो बी वन आया वो कितना आया ज़ीरो। सेकेंड आप लूप थ्री के लिए देखो, लूप थ्री के लिए देखो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करेंट आई, क्या लूप थ्री बाहर में कोई करेंट है क्या, नहीं है ना, सो कितना हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू जीरो टाइम्स जीरो, से ये आपका आ गया बी टू की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, सॉरी बी थ्री। ठीक है, तो यानी देख रहे हैं कि अंदर और बाहर मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी के अंदर है, इस बीच वाला हिस्से में जहाँ पर जो कार लोकेटा हुआ है ना, इसी रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा लूप टू के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो टाइम्स करंट आई। तो ये कितना हो जाएगा, बी इंटू बी डी एल कितना हो जाएगा, एंगल कितना है जीरो, और बी इंटू टू पाई आर टू, ये तो मैंने कहा था टेंजेंशियल कंपोनेंट लेंथ के लॉन्ग लेंगे, तो बी इंटू टू पाई आर टू इज इक्वल टू बी जीरो टाइम्स द टोटल करेंट। क्या हो जाएगा, क्या कहा था, टोटल करेंट इन लूप टू, टोटल करेंट इन द लूप टू। तो इस लूप टू में नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने हैं, एन क्या तो बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो एन इंटू एल दैट विल गिव्स यू द टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ कितना है इसका, टू पाई आर टू इंटू एन, है ना, एन इंटू एल, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और लेंथ क्या है इसका, टू पाई आर टू इंटू आई। तो टू पाई आर टू से टू पाई आर टू गया, बी कितना आ गया, म्यू जीरो आई, म्यू जीरो एन आई, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, ठीक है, थैंक यू।